कि इतनी खुश है तो मुझे इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम्हें किसी बात का बुरा लग रहा है क्या? तुम्हारा घर आ गया। एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने तुम्हें बोल तो दिया कि तुम जाके अपनी मॉम के घर रुक जाओ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अजीब सा लग रहा है। आई मीन मुझे पता है कि इसमें मेरा ही फायदा है, रूम मेरा हो जाएगा, बेड मेरा हो जाएगा, मैं राजा की तरह रहूंगा, और वो काउच थोड़ा खाली खाली सा रह गया। शायद क्या? कुछ नहीं। ठीक है फिर, कुछ नहीं है तो मैं चलूं। बाय। बस एक बात कहना चाहता हूँ तुमसे कि मैं आगे से तुमसे कहूँ ना कि अपनी मॉम के जाके रह लो तो मना कर देना, साफ मना कर देना कि तुम मेरे साथ रहना चाहती हो, मेरे मेरे कमरे में रहना चाहती हो मेरे साथ। ओके देखो, मैं इससे ज्यादा साफ शब्दों में नहीं कह सकता कि I'm gonna miss you यार। Will you miss me? पता नहीं, तुम ऐसा क्यों नहीं करते? आज तुम मेरे साथ, आई मीन हमारे साथ, माँ के साथ यहाँ ही क्यों नहीं रह लेते? चलो। नहीं एक्चुअली आज तुम अपनी मॉम के साथ रहना चाहती हो ना, आई मीन आज माँ बेटी की रात, मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता, चाहता हूँ कि तुम ज्यादा से ज्यादा वक्त अपनी माँ के साथ बिताओ, और मैं अंदर जाऊंगा ना तो सब मेरी खातिरदारी में लग जाएंगे। मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आज सब तुम्हारी खातिरदारी करें। तुम जाओ। ठीक है। अब बहुत बुरा लग रहा है इस बजरपट्टी को यहाँ छोड़ के जाना,
करण पुत्र, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मॉम। करण पुत्र, प्रीता कहाँ है? हर रोज वो सवेरे जल्दी उठ के नीचे आ जाती है, आज तो नीचे भी नहीं दिखी और यहाँ पे भी नहीं है, तो प्रीता है कहाँ? मॉम, क्या बात है यार, आज आपका प्यार ना बहुत फ्लिप होने लगा है आजकल। आप अपने बेटे की बिल्कुल चिंता नहीं करते, सीधा आते ही बहू के बारे में पूछ रहे हो, बेटे के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। बिना शरारत किए तेरी सुबह नहीं होती ना, तू जानता है मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी मस्ती करना तो बहुत जरूरी है। ठीक है, तुझसे थोड़ी सी बातें कर लेती हूँ। तो माय डियर फेमस क्रिकेटर दी करण लूथरा, मेरा बच्चा, कैसे हैं आप? बच्चा आपका बहुत अच्छा है मॉम। और आप प्रीता के बारे में पूछ रहे थे ना, एक्चुअली कल रात को प्रीता को अपनी मॉम की बहुत याद आ रही थी, शी वाज सैड। सलांटी थोड़ी तकलीफ में है ना, तो मैं उसे सलांटी के पास छोड़ाया। मैंने सोचा दोनों थोड़ा टाइम एक दूसरे के साथ बिताएंगे तो बेटर फील करेंगे। आ जाएगी, मैं ले आऊंगा उसे। करण, एक बात बोलूं पुत्र? प्रीता एक अच्छी बहू, एक अच्छी पत्नी के साथ साथ एक बहुत अच्छी बेटी भी है। वो जानती है कि एक वक्त पे सारे रिश्ते कैसे हैंडल करने होते हैं, अपना हर फर्ज, अपनी हर जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती है। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं हमने प्रीता को पहले गलत समझ लिया था। मॉम, आपने कभी उसे गलत नहीं समझा, आपने उसे एक अच्छी लड़की समझा हमेशा। एंड योर माय मॉम, मैं जानता हूँ आपको, आपने हमेशा उसे अच्छी लड़की समझा। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मुझे बहुत भूख लगी है, ब्रेकफास्ट मिलेगा क्या? ऑफ कोर्स मिलेगा पुत्र, मैं फटाफट तेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, तब तक तू फ्रेश हो जा। नो, फ्रेश नहीं हो ना, मुझे यहीं बेड में ब्रेकफास्ट चाहिए। नो, तुझे यहाँ बेड पे ब्रेकफास्ट नहीं मिलेगा, पहले शावर उसके बाद ब्रेकफास्ट। आर यू सीरियस? वेरी सीरियस। मॉम आप ना जिद पे रहते हो हमेशा। माता रानी का लाख लाख शुक्र है, प्रीता और करण के बीच में जितनी भी गलतफहमियां थी धीरे धीरे सब गायब हो रही है, दोनों के बीच में एक नया रिश्ता पनप रहा है। हे माता रानी, मेरे दोनों बच्चों को हमेशा खुश रखना, एक साथ रखना। ये होगी मेरी चाय तैयार, अब ना हम लोग सब साथ मिलके चाय पियेंगे। बुलाती हूँ इन लोगों को। ओहो, ये हो रहा? सृष्टि, प्रीता पुत्र। प्रीता, सृष्टि कहाँ गई है? कमरे में भी नहीं है दोनों, दरवाजा भी बंद है, फिर कहाँ गई? पंची को बताएगा। सुबह क्यों रही है? क्या हुआ जानकी आंटी, आप रो क्यों रही है? पुलिस आई है क्या? हाँ, पुलिस आई है। आने दो पुलिस को, मैं भी देखती हूँ लोग मामा को कैसे लेके जाते हैं। इनके हाथ ना तोड़ दिया ना मैंने। माँ, एक काम करते हैं, यहाँ से भाग चलते हैं। सृष्टि, नहीं पितर, कोई पुलिस नहीं आई। तो फिर आप रो क्यों रहे हो? मैं तो बस आप तीनों का लाड़ प्यार देख के थोड़ी जज्बाती हो गई थी। तुम तीनों ऐसे लिपट के सो रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे छोटी बच्चियां अपनी माँ के साथ चिपक के सोई हूँ। ना माँ उनको छोड़ना चाहती है,
अन्ना बेटियां मां को। कुछ जल्लाद ऐसे हैं जिन्हें हंसता खेलता परिवार चंगा ही नहीं लगता। वो ना उनको रुलाने के लिए नए नए पेतरे फेंकते रहते हैं। इन लड्डुओं की वजह से हुआ है ना सब कुछ। ठीक है, मैं इन लड्डुओं को नहीं छोड़ूंगी। अरे मैं तो उनको पहली बार फेंकना चाहती थी, पर पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया। इन लड्डुओं में जहर है ना, तो ठीक है आज ये जानकी खाएगी लड्डू। देखती हूँ जानकी की कितनी जान निकलती है। जानकी रुक, पागल ही हो गई है यार। चलो वैसे तो इस बॉक्स को मुझे मेरे कमरे में छुपाना चाहिए, अपनी अलमारी में, लेकिन करण का कोई भरोसा नहीं है। वो कहीं भी ताकर जाके करता है, तो इसको कहाँ रखूं? हाँ, इस ड्रॉअर में रख देती हूँ, किसी की नजर नहीं जाएगी, किसी का शक नहीं जाएगा। सृष्टि का फोन। बोल सृष्टि। हाँ दी, कुछ मिला क्या? मिला ना, एग्जैक्टली वही मिला जो ढूंढ रही थी। क्या बात कर रहे होते, आपने क्या गुड न्यूज दी है मुझे? तुझे सुन के कोई शौक नहीं लगेगा, वही मिला जहाँ मैंने कहा था। कहाँ मिला? मायरा के कमरे में। वो लड्डुओं का बॉक्स पड़ा था जो सरगी में मुझे खिलाए गए थे, जो उसकी माँ लेकर आई थी। समझ गई ना? इसका मतलब सरगी में जो लड्डू मैंने खाए वो माँ के बनाए हुए नहीं थे, इस बॉक्स में से थे जो उसकी माँ लेकर आई थी, और वो जहर वाले लड्डू थे। मुझे ना ये जंगली बिल्ली मायरा पे इतना गुस्सा आ रहा है, मन तो कर रहा है कि उसे चीर फाड़ के किसी जंगल में भेज दो, किसी ऊंचे वाले टावर से नीचे गिरा दो। काम डाउन सृष्टि। नहीं दी, काम डाउन होने का टाइम नहीं है। देखो दो बातें तो सच है, एक आपने जहर वाला लड्डू खाया है, और दूसरा उस जंगली बिल्ली मायरा की जो सो कॉल्ड मम्मा है रमोना आंटी, वो भी आपको जहर वाले लड्डू खिलाने के प्लान में बिल्कुल शामिल थी। यार मुझे समझ में नहीं आता ये रमोना आंटी ऐसे कैसे कर सकती है, वो भी तो एक माँ है। उनकी वजह से हमारी माँ पर गलत इल्जाम लगाया गया। ये दोनों माँ बेटे की करामात है, ये तो दी मैं बता रही हूँ। हमें अपनी मम्मा के माथे पर से एक कलंक जल्द से जल्द निकालना होगा, और ये हम कैसे कर सकते हैं? इसका प्लान है मेरे पास दी। कैसा प्लान बता? ध्यान से सुनो, प्लान ये है, तो अपनी माँ के घर गई थी, तो वापस कब आई? ये फोन पे किससे बात कर रही थी? इसको देख के लग रहा है कि जरूर कोई प्लान बना रही थी, लेकिन प्लान किसके लिए? ये तो मायरा के कमरे के पास थी, कहीं मायरा के साथ कुछ मायरा तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम क्यों चिल्ला रही हो? अरे भूत जैसी दिखोगी तो चिल्लाऊंगी नहीं, तो क्या करूंगी? मैं भूत जैसी दिख रही हूँ? ऐसी दिखोगी तो भूत नहीं बोलूंगी। शोलिन तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्या बकवास कर रही हो? मैं बकवास कर रही हूँ? तुम बकवास कर रही हो, तुमने ये सब कुछ क्यों किया? मैं अभी अभी तुम्हारे कमरे में आई हूँ, मैं ये सब कैसे करूंगी? बोलन अभी तुमको मैंने आवाज दी थी ना, जब तुमने मुझे टाल दिया था। ये मैंने नहीं, ये उस प्रीता ने किया। मैंने अभी अभी उसे बाहर कॉरिडोर में देखा तुम्हारे कमरे से निकलते हुए। कितना नाम देखा वो तुम्हारे साथ क्या क्या करने लगी है कॉरिडोर में। अभी उसे सबक सिखाती हूँ, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। करण मैं हूँ। मायरा, मायरा ये क्या क्या हुआ चेहरे को? अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता, जाके मुंह हाथ धो जाओ, ऐसा लग रहा कोई डैन। मेरा कहने का मतलब अजीब लग रही हो, जाके मुंह हाथ धो लो। हाँ कोई और देखेगा तो उसे हार्ट अटैक आ ही जाएगा। को
तुम्हें तो ये भी पता होगा कि पूजा किस चीज की है। वैसे पंडित जी, किस चीज की पूजा है ये? ग्रह शांति। आई मीन राखी माँ ने पूजा रखवाई है तो महेश पापा की हेल्थ के लिए ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ग्रह शांति और महेश पापा की हेल्थ के लिए ही होगी। अंडरस्टूड है। रियली स्मार्ट गर्ल। और सबूत देना भी नहीं भूलती। सब कुछ पता होता है ना तुम्हें प्रीता। फिर तो ये भी पता होगा कि पूजा है तो प्रसाद भी लगेगा। ये मिठाइयाँ मैं लेकर आई हूँ, राखी ने कहा था लाने के लिए स्पेशली। सो नहीं नहीं लगती है, लेकिन इस पूजा में नहीं। ये जो पूजा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ फल और फूलों से ही होती है, इसमें मिठाई नहीं लगती। पर मुझे तो राखी जी ने कुछ भी नहीं कहा और मैं भी ऐसे ही खाली हाथ आ गई। हो गई सारी बातचीत, हो गया टाइम वेस्ट, अब पूजा शुरू करें। शुरू कीजिए पंडित जी। ओके गॉट इट। इसका मतलब एक बार माहिरा की मॉम मिठाई लेकर यहाँ आ जाए, उसके बाद गेम तू संभालेगी। तुझे पता है तुझे क्या करना है? हाँ दी, वही करना है जो उस चुड़ैल शर्लिन ने किया था, फुल नौटंकी। मुझे तो उसने स्पेशली फोन पर बोला था कि मिठाइयाँ ले आना, सो मैं उसकी फेवरेट मिठाई लेकर आई। एनीवे गिरीश। यस मैम। ये मिठाइयाँ लेकर जाओ, ले जाकर स्टाफ में और घर के लोगों में बांट। आप लोग यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ पूजा हो रही है। राखी आंटी ने महेश अंकल के लिए पूजा रखवाई है, बस वही स्टार्ट हो रही है। आप भी बैठ जाइए। मैं अभी आई। हाँ गिरीश, गिरीश। सृष्टि तू इतनी जोर से चिल्ला क्यों रही है? सॉरी महा, वो क्या है ना, जब पेट में बहुत जोर से भूख लगती है ना तो ऐसे अंदर से लाउड आवाजें निकलती हैं। बहुत भूखी हो ना, तो मैं बस गिरीश को ये बोलने वाली थी कि कुछ खाने को अगर है तो। तेरा घर नहीं है पर इतनी भूख लगी थी तो घर में खा के आना था, यहीं पर सारी भूख मिटेगी क्या? अरे भूख को कैसे कंट्रोल किया जाता है? एक मिनट, जब भूख लगनी होती है तब लगती है ना। और तो बहुत जोर से भूख लगी है, और ससुराल हो या मायका, दी का घर है, पूरा हक बनता है मेरा, है ना गिरीश? थोड़ा कुछ खाने के लिए वो जो मैंने मिठाइयाँ दी है ना तुम्हें, उसमें लड्डू है, फिलहाल के लिए मैडम को दे दो, बाद में खाना भी दे देना। थैंक यू सो मच रमोना आंटी, मेरी भूख को समझने के लिए, वरना मम्मा तो हमेशा डांटती ही रहती हैं। थैंक यू सो मच गिरीश। ये बहनें आपस में क्या इशारे कर रही हैं? आखिर चल क्या रहा है इनके बीच? इनकी नजरें बता रही कि इन्होंने किसी के लिए जाल बिछाया, पर किसके लिए? मायरा, मेरे साथ चलो, यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है। कैसी गड़बड़? मेरे साथ चलो, बताती हूँ। आइए आइए राखी जी, आप ही का इंतजार हो रहा था। आइए बैठिए, आपके ही हाथों से पूजा शुरू होनी है। पूजा है, लेकिन पंडित जी ये पूजा किसने? कमाल है, तुमने पूजा रखवाई, तुम्हें नहीं याद? मैंने? लेकिन मैंने तो राखी जी, आप हाथ धो के आ जाइए, आपके ही हाथों पूजा शुरू होनी है, और ये महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखी गई। जी पंडित जी, लेकिन ये पूजा किसने? अरे अरे, कोई पूजा से नहीं उठेगा वरना पूजा खंडित हो जाएगी। अरे रोक दीजिए पूजा। नहीं नहीं शर्लिन, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? पूजा कभी भी अधूरी नहीं छोड़ते। पंडित जी आप पूजा जारी रखिए, और ये पूजा तो महेश जी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए है, तो बीच में नहीं छोड़ सकते। पंडित जी आप पूजा कीजिए ना। ओम
सृष्टि को उल्टियां हो रही है, उसे उल्टियां हो रही है और उल्टियों में सब लोग सो गए। आई नो मैं बहुत लेट हो गई, वो माँ ने आने ही नहीं दिया, कहा कि खाना खाकर जाओ, और पता है खाने में क्या था, माँ का प्यार और माँ का दुलार, अब वो सब छोड़कर कैसे आती। हाँ लेकिन ये सब करने में देर तो हो गई, तुम भी सो गए क्या? अरे तुम काउच पे कैसे सो रहे हो, तुम तो हमेशा बेड पे सोते हो ना। सुनो नहीं नहीं नींद में उठाती नहीं, शायद इसे आज मेरे काउच पे सोने का दिल हो। आ गई तुम? तुम तो वहां सो रहे थे ना, तो यहाँ क्यों सो गया, उसमें क्या? चलो तुम भी सो जाओ। क्या कर रहे हो ये? तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कैसी हेल्प है? यार तुम पहली बार इस बेड पे सो रही हो ना, तुम्हें सोना नहीं आता बेड पे, तो तुम्हें सिखा रहा हूँ इस बेड पे सोना, सो जाओ। अच्छा क्या कर रही है यार? हाँ? मेरा हाथ कोई तुम्हारा पिलो है जो तुम उसे पिलो के जैसे यूज कर रहे हो, अपने मुंह के नीचे रखा। ओ हेलो, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथ को पिलो बना के सोने का, ओके? और वैसे भी, और ये जो मेरा पिंक पिलो है ना, मेरा फेवरेट, इससे चिपक के सोने की आदत है मुझे बचपन से, ओके? तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से मुलायम ये पिलो है, ओके? देखो प्लीज मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है, मैं बहुत टायर्ड आई थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही है, अब मैं बेड पर सो गई तो मुझे यहीं सोने दो। तुम वैसे भी हमेशा बेड पर सोते हो ना, आज जाकर काउच पर सो जाओ, पहले भी तो सो रहे थे, इतनी गहरी नींद में सो रहे थे, तुम उठे क्यों? हेलो तुमने शायद भूल रही, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, जहाँ मेरी मर्जी होगी ना मैं वहाँ सोऊंगा, और वैसे भी अभी मैं अपनी वाइफ को पकड़ के सोया था ना, फिर सोऊंगा। क्या मतलब मुझे पकड़ के सोगे? चलो जाके काउच पे सो जाओ, आराम से वहां पर सो रहे थे इतनी गहरी नींद में, अब कैसे तुम्हारी नींद खुल गई है? नहीं सोना इधर, हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो जाके वहीं जाके काउच पे सो। हम रियली सॉरी, मुझे लगा ये जाके काउच पे गिरेगा, लेकिन खिड़की से बाहर चला गया। जाओ काउच पे सो, गुड नाइट। यू नो व्हाट, तो ये तरीका है तुम्हारा मुझे ये कहने का कि मुझे काउच पे जाकर सोना चाहिए, पिलो उठाकर तुमने विंडो से बाहर फेंक दिया, वेरी गुड। अब मैं जाती हूँ बाहर, पिलो लेकर आती हूँ और काउच पे नहीं सोती हूँ, बेड पे ही सोऊंगी। अगर तुम इतनी बदतमीजी दिखा रहे हो तो मैं भी बदतमीजी दिखाऊंगी, मैं भी आज बेड पे ही सोऊंगी, यही मुझे भी यही आदत है, जहाँ एक बार सो जाती हूँ वहीं सोती हूँ। ठीक है चलो सोते हैं। देखो एक और मौका देती हूँ मैं तुम्हें, तुम फटाफट मुझे सॉरी बोल दो ये बदतमीजी करने के लिए, मैं चुपचाप जाकर काउच पे सो जाओगी, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, और तुम चुपचाप यहाँ सो जाना। ओके चल जल्दी बोलो। मैं तुम्हें सॉरी भी बोलूंगा, मैं तुम्हें इस बेड पे भी सोने दूंगा, मैं खुद जाके काउच पे सो जाऊंगा, लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, मुझे मेरा फेवरेट पिलो खिड़की से बाहर चला गया ना पिंक वाला, उसे ले आओ बस। इट्स अ गुड डील। पक्का? छक्का, I mean, पक्का। ठीक है
मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर तुम्हारा पिल्लो लेकर आती हूँ, फिर तुम चुपचाप वो पिल्लो लेकर काउच पर सो जाना और मुझे आराम से बेड पर सोने देना। यू हैव प्रॉमिस्ड मी।